आज का जो मेरा टारगेट होने वाला है ना, इतना टारगेट होने वाला है तो इसे देखकर आप चौक मत जाइएगा कि इतना सारा टारगेट एक दिन में तुम कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो ये जो मेरा टारगेट है ना, ये पीछे हम कंप्लीट कर चुके हैं, बाद में इसका जो आज हम रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि संडे है, उसका टेस्ट है। तो आज इस सारे को रिवीजन को पूरे तरीके से निपटाएंगे, और जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी है उसको भी करना है। तो इस सारे को आज कंप्लीट करना है, उसके बाद कल जो टेस्ट होगा उसको टेस्ट देंगे। तो इस तरीका से मेरा कुछ प्रिपरेशन रहता है, जो एक दिन टेस्ट से पहले ना पूरी आप रिवीजन में फोकस कीजिए, जो पूरे सप्ताह आप टेस्ट के लिए पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। तो कुछ इस तरीका से हम प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए आज को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पे नाश्ते कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। तो लाइब्रेरी में सबसे पहले हम बायो का ये दो चार चैप्टर है उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद रूम पे आके हम शायद मैग्नेटिक इफेक्ट EMISC को कर सकते हैं, उसके बाद हम IUPAC आइसोमेरिज्म GSE 1 और 2 को करेंगे, ये लाइब्रेरी में ही कर लेंगे। तो इतना सारा टॉपिक है, तो इसको हम बारी बारी से एक एक करके चारे को ख़त्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का ब्रेकफास्ट में ना मैगी था, जो कि कमाल का मैगी मेरा भाई था जो बनाया था। तो चलिए इसको करते हैं, उसके बाद चलते हैं लाइब्रेरी। तो देखिए अभी लाइब्रेरी आ चुके हैं, अभी जो टाइम हो रहा है लगभग 11:08 हो रहा है। तो आज कुछ लेट हो गया था जिसके कारण से आज थोड़ा देर में है। तो साइड वाला भी कोई नहीं आया अभी देखिए यहाँ तक लाइब्रेरी में। इस लाइब्रेरी में ना कम ही स्टूडेंट है, लेकिन आता है तो सब आता है, लेकिन आता नहीं है तो कोई नहीं आता है। तो इस तरीका से कुछ होता है, कुछ कुछ स्टूडेंट है उस साइड, जो 2-3 स्टूडेंट है बैठा हुआ है। तो इस तरीका से मेरा कुछ टाइमिंग था यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 9:30, 2:00, 6:00 और 10:00। तो और कुछ कुछ यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे रख लेते, जो कि बार बार हमको रिवाइज करने में सुविधा होता है ना, उसको रख लीजिए, जो बार बार आप भूलते हैं तो उसको। यहाँ पे मेरा टेस्ट का शेड्यूल है, जो कि देखिए जो 7 को टेस्ट है ना, यही इसी का टेस्ट का प्रिपरेशन, इतना सारा पूरे लिस्ट बनाए थे इसको किसका रिवाइज करना है। तो चलिए सबको एक एक करके निपटाते हैं, रिवीजन करते हैं, आपसे मिल। तो यहाँ पे ना सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट किया है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसको हम यहाँ पे NCERT से ही मैक्सिमम टाइम पढ़ते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन को जो मार्क करके रखे थे उसको भी यहाँ पे देख रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे थे। उसके बाद ना एंजाइम को स्टार्ट किए, तो एंजाइम में भी कुछ कुछ जो क्वेश्चन था मार्क उसको भी यहाँ पे रिवाइज किए, और उसको NCERT से मस्त पढ़े, क्योंकि एंजाइम में कुछ कुछ ऐसा पार्ट है जो NCERT के लाइन में छुपा हुआ है, आपको यदि एग्ज़ाम में आ जाए तो पता ही नहीं चलेगा अरे यार कहाँ से आ जाए। तो एग्ज़ाम का कुछ कुछ टॉपिक जो बायोमोलिक्यूल वाला था, तो उसमें लास्ट वाला टॉपिक एंजाइम वाला वो है, और वहाँ पे KM वैल्यू नॉन कम्पिटिटिव वाला और कम्पिटिटिव इनिबिटर, तो इसका कुछ एग्जांपल है वो भी मेलोनेट वाला, उस तरीके से आपको इसको याद करना है। तो और यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, एंजाइम का भी बना रहे हैं। तो मस्ट है जो क्वेश्चन आप हद से ज़्यादा बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आपको देखा देखा आपको लगेगा। तो इस तरीका से कुछ करिए। उसके बाद ना हम ऑर्गेनिक का रिवीजन करने के लिए यहाँ पे हम बैठ चुके थे। ऑर्गेनिक में सबसे पहले GOC 2 का जो कुछ कुछ पार्ट बचा था उसका भी हम रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरीका से आप रिवीजन करें कि टेस्ट के एक दिन पहले ना इस तरीका से पूरा रिवीजन कर लेते, लगेगा कि हाँ सारा चीज़ आता ही है। तो वैसे आप बिना पढ़े जाएंगे टेस्ट में तो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आपको नहीं आ पाएगा, जिसके कारण से टेस्ट में बहुत सारा क्वेश्चन भी छूट जाता है, और आते आते क्वेश्चन सिली मिस्टेक उससे ज़्यादा हद से ज़्यादा होता है। तो सिली मिस्टेक को यही कम करने का चाहता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और बार बार इसको रिवाइज कीजिए। तो आप एक बार यदि लेक्चर देख चुके हैं तो उसको 10 बार लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार लेक्चर देखिए, और लेक्चर देखने के बाद आप खुद से बार बार उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अब लेक्चर कितना बार भी देख लीजिए ना, तो घूर फिर के एक ही बात आता है यार कुछ नहीं आपको वहाँ पे हो रहा है। तो इसीलिए लेक्चर को मिनिमम देखिए, और खुद से जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी कर सकते हैं उतना कीजिए। तो टेस्ट से पहले आप इसे अपने नोट्स पे और कुछ को जो क्वेश्चन आप मार्क करके रखें उसको देख के जाइए, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नीट एग्ज़ाम में भी कुछ प्रकार आपको ऐसे ही करना है, जो जिस प्रकार आप टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करें उसी समय उसी को लिए भी प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर चले गए थे कहाँ पर, रूम पर खाना खाने के लिए। तो चलिए वहाँ पर देखते हैं रूम पर क्या खाना बना है आज लंच में। और यहाँ पर मेरा लाइव सेशन स्टार्ट है, तो किसी को आप मेरे साथ पढ़ना है स्टडी विद मी, तो यहाँ पे जाके मेरे चैनल पे वहाँ लाइव सेशन जुड़ सकते हैं, यहाँ पे टाइमिंग आपको दिख रहा होगा। तो चलिए जाते हैं रूम पे और देखते हैं आखिरकार आज क्या खाने में बना है। मेरे साइड में जो बच्चा हुआ था ना, वो UPSC एस्पिरेंट है, तो उससे भी कुछ कुछ मोटिवेशन आते रहता है यार क्या वो पढ़ता है और हम क्या कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी में पढ़ने का यही फ़ायदा, सब पढ़ते रहता है तो आपको भी यहाँ पे पढ़ने
का मोटिवेशन जागता है। और साइड में रहा है तो कभी कभी देखता रहता है क्या करता है, कभी कभी मान के चलिए वीडियो देख लेते हैं तो वो भी देख लेता है, अरे यार वीडियो क्या देख रहे हैं, पढ़ाई करो, तो इस तरीके से करिए आप पढ़ाई। और रूम पे आने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा लंच के, लंच में दाल चावल और सब्जी था और आगे में हीटर था, हीटर और लंच के साथ दोनों एंजॉय करके किए। यहाँ से फिर से दोबारा हम अपने लाइब्रेरी की तरफ चले गए। तो लाइब्रेरी में जाने के बाद यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे कुछ जीओसी वाले पार्ट का कुछ कुछ यहाँ पे जो चैप्टर था उसको कर रहे हैं। तो जीओसी वाले पार्ट को करने के बाद ना हम जाएंगे थोड़ी देर करते हैं, उसके बाद थोड़ा चाय पीने जाएंगे। यहाँ पे जो अभी लगभग डेढ़ दो घंटा हो चुका है अभी लाइब्रेरी में, तो कम से कम 6:30 बजे हम बाहर जाते हैं थोड़ा देर 10-15 मिनट के लिए। वहाँ पे आप फ्रेश भी हो जाइएगा और वहाँ पे अच्छी तरीके से आपको मूड भी बना रहेगा पढ़ने का। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ यहाँ पे बीच में रिफ्रेशमेंट के लिए भी ले सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा देर में चलते हैं बाहर, वहाँ पे थोड़ा चाय पीते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आते हैं लाइब्रेरी और वहाँ पे अपना जो लास्ट शिफ्ट है वो लगाएंगे, उसके बाद चलेंगे रूम पे। तो यहाँ पे हम और दो यूपीएससी एस्पिरेंट है उसके साथ मिलके जा रहे थे यहाँ पे हम कुछ चाय पीने के लिए। तो चलते हैं यहाँ पे कुछ तरीक़ा से, यहाँ पे लंका वाले जो रहते होंगे बनारस में उसको पता है आखिरकार ये कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए चाय, यहाँ पे कॉफ़ी बन रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं पियेंगे, ठेले के पास जाकर चाय पियेंगे। और वहाँ पे देखें यार गरम गरम चाय में ठंडी समय में पकौड़े तलते हुए तो क्या मज़ेदार, यहाँ पे देखिए पकौड़ा यहाँ पे तल रहा है। तो यहाँ पे ना बर्फ़ पाव खाए थे, तो बर्फ़ पाव भी थोड़ा खा लिए थे जिससे हल्का फल्का नाश्ता भी यहाँ पर हो गया। तो ये देखिए कुछ इस तरीका से ये बर्फ़ पाव लड़का बना रहा था, हम यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, अरे भाई बोल रहा था अरे भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, कर लो कर लो। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया अच्छे तरीके से बना के यहाँ पे दिया था। उसके बाद हम बैक टू लाइब्रेरी आ गए। यहाँ पे लाइब्रेरी में देखिए यहाँ पे फिजिक्स का कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए फिजिक्स का लास्ट समय रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ कुछ जो टॉपिक बचा था उसको कर रहे हैं और इसको कम्प्लीट करते हैं। फिजिक्स में, फिजिक्स में मेन है ना आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूले को रिवाइज कीजिए और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं रूम पे, लास्ट सेशन लगाते हैं 9 बजे के बाद चल जाते हैं रूम पे, वहाँ पे देखते हैं डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद थोड़ी देर अपनी भांजी के साथ खेलेंगे। तो चलिए आपको दिखा देते हैं आखिरकार क्या मस्ती की। यहाँ पे जो क्लिप है ना ये अपने भांजी के साथ यहाँ पे खेल रहे थे, इसको यहाँ पे बंदर सब आता है बनारस में, तो यहाँ पे इसको बंदर से बहुत ज़्यादा डर लगते रहता है, इसलिए यहाँ पे लाठी लेकर भी निकल के आ जाते बंदर को मारने के लिए। बंदर भागो भागो कर कैसे कर रही थी। तो यहाँ पे कुछ क्लिप आप देखिए, बाय बाय जा रहे, तुम भी जाएगी जाएगी हाँ, क्या कर रहे हैं यहाँ, चलो चलो। आज का सैटरडे, सैटरडे का डिनर था हमारे खिचड़ी और चोखा थे। यहाँ पे दोनों भाई खिचड़ी खाते हैं, उसके बाद ये जो खाना था खाने के बाद हम अपने रूम पे स्टडी, यहाँ पे फिजिक्स का कुछ कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। ये तो लाइब्रेरी वाला सीन है, तो लाइब्रेरी में लाइव स्टडी था तो उसमें से कुछ कुछ पार्ट यहाँ पे रिकॉर्ड किए। उसके बाद हम यहाँ पे रूम पे आके थक गए थे, उतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किए थे। यहाँ पे कुछ कुछ जो हमारा फिजिक्स का रिवीजन फार्मूला सीट का तो उसको रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे सोने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।